बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मेचोंग 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराया है। उससे पहले तूफान ने चेन्नई में काफी तबाही मचाई है। यहाँ एक दिन में सबसे ज्यादा 50 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिससे भारी तबाही देखने को मिल रही है। चेन्नई में बारिश के चलते कई इलाके पिछले 2 दिनों से बाढ़ में डूबे हैं। कई इलाकों में 72 घंटे से बिजली नहीं आ रही, इंटरनेट बंद पड़ा है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। तमिलनाडु में तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों में 3 महीने की बारिश हो गई है। चेन्नई शहर में डूब गया है, जिसके कारण 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सीएम एमके स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 5,060 करोड़ रुपए की सहायता राशि मांग की है। तूफान मेचोंग बुधवार को तेलंगाना पहुंचते ही कमजोर पड़ गया। उधर साइक्लोन के चलते ओडिशा में बारिश हो रही है। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश और जलभराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच कुछ लोगों ने आपदा को अवसर में बदल डाला। रियाज सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चेन्नई का दृश्य दिखाया गया, जिसमें व्यक्ति बारिश में रोड पर मछली पकड़ते दिख रहा है। प्रदुभाषी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो के चेन्नई का होने का सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगमोहन रेड्डी भी तूफान को लेकर लगातार बैठक ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बापटला कलेक्टोरेट ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए हर जरूरी उपाय किए हैं। चक्रवात के चलते अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। साथ ही 24 घंटे हालात के कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम के साथ मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के लिए 18 टीमें तैनात की है। 10 अतिरिक्त टीमों को भी तैयार रखा गया है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि रघुवंशी। कल फिर हाजिर होंगे दिन की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।